अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं निशान आपको खुशामदीद करता हूं अपने एक और नई वीडियो में। आज का जो टॉपिक है वो है दुनिया का जो सबसे पहला मोबाइल था वो कौन सा था और कौन सी कंपनी का था उसका, उस टाइम उसकी प्राइस क्या थी और उसके जो है क्या क्या उसके अंदर हमें देखने को मिलता था। आज की वीडियो में इसी बारे में बात करने वाले हैं। बिना स्किप किए सारी वीडियो देखिए क्योंकि इसमें कुछ ऐसी अहम बातें हैं जो आपकी नॉलेज के लिए बहुत ही आपको काम। मेरा नाम है जीशान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल जी। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मोबाइल की दुनिया में इनकलाब लाने वाला ये एक स्मार्टफोन जो था नोकिया की तरफ से, नोकिया का जो पहला स्मार्टफोन था वो था 1011, जिसे 1992 में लॉन्च किया गया था। इसके जो सेलिंग थी, जितनी ये स्मार्टफोन जो इसकी कॉपियां सेल हुई थी वो 1 करोड़ से भी ज्यादा सेल हुई। इसकी जो उस दौर में रकम थी वो थी लगभग 1796 यूरो, मतलब इस दौर में अगर पाकिस्तान के रुपीस में बात किया जाए तो वो 3,12,000 रुपए। दोस्तों, इसका जो वजन था वो था 495 ग्राम। इसकी बैटरी टाइमिंग की बात करें वो थी 12 घंटे और 4 घंटे इसका टॉक टाइम था, तो बहुत ही उस दौर के हिसाब से बहुत ही अच्छी चीज थी और पायदार। दुनिया का पहला फोन होने के नाते इसका जो काम था वो था सिर्फ और सिर्फ कॉल करना, यानी कि बंदा सिर्फ एक दूसरे से बात ही कर सकता था। आहिस्ता आहिस्ता आगे चलते इसमें सिर्फ SMS का फीचर इसमें दे दिया गया, उसके अलावा इसके अंदर कुछ भी नहीं था। लेकिन अगर आज के दौर की बात करें उसी मोबाइल फोन में हमें हर चीज देखने को मिल जाए। अगर आज के दौर में उसी एक फोन की बात करें तो आज के दौर में हम TV, AC या उसके अलावा ड्रोन्स भी हम मोबाइल से कंट्रोल करते हैं। उसके अलावा हम घर बैठे हर चीज अपने मोबाइल फोन से करते हैं, यहाँ तक के हजारों से ज्यादा चीजें मोबाइल फोन से हम कर सकते हैं। अब तो मोबाइल फोन एक ऐसी चीज होगी बंदे की जिंदगी का एक हिस्सा ही बन गया है। और उसके अलावा हम जो बैंक अकाउंट है हमारे वो भी हम घर बैठे कंट्रोल कर सकते हैं, तो बहुत सी आसानियां भी आ गई। लेकिन सब बातों को आप रखे साइड में, जो अहम बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, जो वीडियो बनाने का मकसद था वो ये था कि आप कुछ भी कर ले मोबाइल फोन में, चाहे आप कितनी भी एप्लीकेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, फेसबुक यूज कर रहे हो, इंटरनेट में कोई भी चीज, कोई भी ब्राउजर वगैरह आप यूज कर रहे हो, उसके अलावा आप या तो वीडियो शूट करें या वीडियो मूवीज वगैरह आप कुछ भी देखें, लेकिन जो मोबाइल जो उसका पहला मकसद था, जिस चीज के लिए मोबाइल फोन बनाया गया, तो अपना वो मकसद नहीं भूलता। आप चाहे कुछ भी कर लें, किसी भी एप्लीकेशन के अंदर घुसे हुए हो, अपना काम कर रहे हो, जैसे ही कॉल आएगी तो वो सारी चीजों को छोड़ के आपको बताएगा कि भाई कॉल आई है। तो वो अपनी पहली जो चीज थी, जिस चीज के लिए वो बनाया गया, एक मोबाइल फोन जो है वो अपना जो काम है वो नहीं भूलता। अब जो मेरे दिमाग में एक बात आई है, तो मैं आप जो भी मुसलमान भाई हैं उनसे सिर्फ मैं इतना कहना चाहूंगा, हम जो इंसान है उन्हें सिर्फ इबादत के लिए अल्लाह पाक ने पैदा किया। तो माना कि हमें लाखों काम है, बहुत सी चीजें जिंदगी में है, बहुत सी चीजें मुश्किलात आती हैं जिंदगी में, खुशी है, गम है, कुछ भी, लेकिन हम जो है इंसान सिर्फ और सिर्फ इबादत के लिए बनाए गए। तो कितनी बार ऐसा समझो, कितनी बार आवाज आती है अल्लाह की तरफ से, तो जैसे हम मोबाइल फोन पर कॉल ही कह सकते हैं, और हमारे अगर रोजमर्रा की जिंदगी में हम उसकी बात करें तो उसको हम अजान ही कह सकते, कितनी बार अजान आती है, लेकिन हमारे मुसलमानों को काम से फुर्सत नहीं मिलती। कभी कभार तो बंदा इतना बिजी हो जाता है तो बोलता है भाई बाद में पढ़ लेंगे, या किसी किसी को बहाना मिल जाता है भाई आज कपड़े खराब हैं कल पढ़ लेंगे। कपड़ों से कुछ नहीं होता, सिर्फ इंसान की नीयत साफ होनी चाहिए, और सजदे हम नहीं, हमारी रूह सजदा करती है, और जो हमारी इबादत वहां पर जाती है, ना हमारे कपड़े जाते हैं ना कुछ जाते हैं, सिर्फ जो हमारी इबादत होती है या हमारी नीयत होती है वो उधर जाती है। तो प्लीज सारे कामों को रखो साइड में, जिस चीज के लिए आप बनाए गए हो तो यार प्लीज आप उस चीज पे फोकस करो। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो मेरा टॉपिक है वो समझ में आया होगा। यार मानता हूँ कि टेक्निकल जो चीजें हैं उससे थोड़ा हटके मैं कुछ ज्यादा बोल गया, तो आप आई होप कि इस पे अमल भी करेंगे। उसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके साथ बेल आइकन जो है वो दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मेरा न्यू चैनल है, सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है। तो वीडियो ज्यादा लंबा नहीं बनाएंगे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज और अपना बहुत ही ख्याल रखना।